हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिजियो मंत्र में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ईयर होल पिलो के बारे में, और इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो पिलो आप घर पे कैसे बनाओगे। ये टॉपिक मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ये पिलो बहुत कॉस्टली है, और मैंने काफ़ी पेशेंट ऐसे देखे हैं जी वो जो साइड लाइन में सोते हैं, तो मॉर्निंग में उठने के बाद उनको ईयर यहाँ पे आउटर ईयर पे पेन होता है, या तो बाहर पीछे की सरफेस पे पेन होता है, ठीक है। और काफ़ी फीमेल ऐसी भी है जो रात को उनकी ईयरिंग्स उनको चुभती है, और उसके कारण आउटर ईयर पे उनको पेन होता है, या तो फिर वो रात को सोते टाइम वो निकाल के सोती है, वो पेन ना हो इसलिए। तो ये पिलो मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि ये पिलो कॉस्टली भी है। इसका मार्केट प्राइस आप समझ लो 3,000 से 5,000 के आसपास का पिलो बनता है, और यही पिलो आप घर पे बिना कोई चीज़ मार्केट से खरीदे आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको आउटर ईयर पे पेन होता है साइड लाइन में सोने के बाद या मॉर्निंग में उठने के बाद, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है उसमें आपको करना ये है कि आपको एक दो चीज़ की ज़रूरत रहेगी, एक पिलो जिसकी साइज 3 इंच होगी, ठीक है, और एक दुपट्टा जो लेडीज़ लोग जो गले में डालते हैं, ठीक है, वो उसकी एक ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो अब मैं दिखा रहा हूँ उसको बनाने की टेक्निक, रीत बता रहा हूँ कैसे वो बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं ईयर होल पिलो बनाने की टेक्निक। इस टेक्निक में आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक दुपट्टा चाहिए। अगर दुपट्टा नहीं है तो आपको एक पतला सा टॉवेल भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद एक पिलो की ज़रूरत है, और ऐसे एक या दो रबर बैंड, ठीक है। ये जो टेक्निक है वो बहुत आसान है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका पिलो रेडी हो जाएगा। तो ये जो दुपट्टा है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ऐसे इस ये लेंथ में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसको 3 to 4 इंच का कर देना है। ये हो गया आपका 4 इंच का, 4 इंच का ये दुपट्टा हो गया आपका। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दुपट्टे को आपको ऐसे लेना है और उसको आपको और एक बार फोल्ड कर देना है, या तो नहीं करोगे तो चलेगा। तो फिर क्या करना है आपको, अगर नहीं कर तो आपको ऐसे पूरा टॉवेल आपको ऐसे घुमा देना है, ट्विस्ट कर देना है, गोल राउंड राउंड सर्कल में आपको ट्विस्ट कर देना है, एक रस्सी जैसा हो गया ये। इसके बाद आपको इसको आपके इसके एक एंड को स्टेबल करना है, और दूसरे एंड को आपको इस तरफ से आप ऐसे रखेंगे, उसका लास्ट एंड ये वाला वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाले एंड से आपको क्या करना है, इसको ऐसे करके आप इसके अंदर से निकालेंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, फिर आपको इसकी लेंथ अंदर की डेप्थ मेंटेन करनी है, फिर वापस से ऐसे करोगे आप। अब क्या करना है, ये दोनों एंड को आपको फिक्स कर देना है, इसकी डेप्थ को मेंटेन करते हुए आपको दोनों को फिक्स करना है एक रबर बैंड से, इस तरफ से आप दोनों को ऐसे फिक्स कर दोगे, दोनों एंड को आप रबर बैंड से बांध दोगे, जिससे क्या होगा वो छूटेंगे नहीं, तो आपका एक परमानेंट पिलो भी वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका ईयर होल पिलो। आप चाहो तो डायरेक्ट आप इसके ऊपर भी लेट सकते हो, आपका कान जो है आप इसके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर आपको पिलो की ज़रूरत है तो आपको इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको आपको डायरेक्ट पिलो के अंदर प्लेस कर देना है, जहाँ पे आपका सर आने वाला है वहाँ पे आपको ऐसे प्लेस कर देना है, ठीक है। और उसमें आपको ऐसे होल जो बीच वाला होल है उसको मेंटेन कर देना है, बस हो गया, आप डायरेक्ट इसके ऊपर लेट सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको
कैसे आपको इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका यूज़ कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हमने ये दुपट्टा या टॉवेल से ये ऐसा होल वाला रिंग बनाया, वो रिंग के अंदर यहाँ पर आपका कान, आपके ईयर वाला पोर्शन आप यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हो, और अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपकी नेक बहुत नीचे जा रही है, अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आपको पिलो के अंदर प्लेस करके आपका उसको यूज़ करना है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ ऐसे विदाउट पिलो कैसे यूज़ करना है। तो आपको इस रिंग के अंदर आपका कान आना चाहिए ऐसे, ये आपका हाथ थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा और रिंग के अंदर आपका ईयर आएगा। मगर ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मेरा शोल्डर का एरिया जो है वो बड़ा है, तो मुझे ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मेरी नेक बहुत नीचे जा रही है, इसलिए मैं पीलो का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इसको पीलो के अंदर प्लेस करूँगा, इसकी जो डेप्थ है उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और फिर इसको मैं पीलो के अंदर प्लेस करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे होल्ड कर दिया और ये मेरा ईयर पिलो हो गया, ओके फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका ईयर होल पिलो, ठीक है। आप देख सकते हो इस होल के अंदर मेरा पूरा ईयर चला जाता है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे ईयर पे, मेरे कान पे प्रेशर पड़ रहा हो, वो एकदम सेफ एक पॉकेट में चला गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी ईयर होल पिलो बनाने की टेक्निक। इस टेक्निक में आपको कोई भी चीज़ मार्केट से ख़रीद के नहीं लानी है, एकदम इजी टेक्निक है, आप इसका यूज़ करें, आपके आउटर ईयर पे होने वाला पेन डेफिनेटली चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आपको रात में ईयरिंग्स भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बस आपको जो अंदर का होल है रिंग के उसको बड़ा रखना है, उसको बड़ा रखोगे तो आपका ईयर अच्छे से अंदर चला जाएगा और ऐसा लगे जैसे एक पॉकेट में उसको सेफ कर लिया है, ठीक है। पूरा प्रेशर आपका हेड का इस तरफ आएगा, इसके ऊपर आएगा, मगर यहाँ पे कान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ करें और पेन फ्री हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंडीशन के साथ, एक नई ट्रीटमेंट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, थैंक यू।